बारिश हो रही थी। हम सब दोस्तों ने खूब एंजॉय किया, मगर आखिर में सारे एंजॉयमेंट पर पानी फिर गया, बारिश का पानी। अम्मी जान, अभी मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने जाना है। बेटा, पहले होमवर्क कर लो, फिर खेलने जाना। ठीक है अम्मी जान, मैं होमवर्क कर लूँगा। ओह, कितना प्यारा मौसम है, लगता है आज बारिश होगी। ये क्या, ये कहाँ से आया? आइडिया, अगर बारिश तेज हुई तो हम पानी में कागज की कश्तियाँ चलाएंगे। मगर मैते, मुझे तो कागज की कश्ती बनानी नहीं आती। जान ने बताया था गुड़िया बहुत अच्छी कागज की कश्ती बनाती है, क्यों ना जान और गुड़िया को बुला लें? हाँ ठीक कहा, ऐसा करते हैं, एलिफ को भी बुला लेते हैं। ठीक है, आओ चलें। जान, देखो बारिश होने वाली है, चलो आओ पार्क में खेलें। वाओ, लेकिन मैं अभी खेलने नहीं आ सकता, अम्मी ने कहा है कि अभी होमवर्क करो। तब तक बारिश रुक ना जाए, हमने कश्तियाँ बनाकर पानी में चलानी है। ओ वाओ, बहुत मजा आएगा। चलो गुड़िया, कश्ती बनाएं। सबसे पहले कागज को फोल्ड किया, फिर इसके किनारों को फोल्ड किया, और फिर इसको यूं नीचे से फोल्ड किया। अब ऐसे करेंगे, अब इसको ऐसे खोलेंगे, और ये देखो कश्ती तैयार। अच्छी है ना? वाओ, चलो मैं बनाता हूँ। दोस्तों, मैं भी आ गई हूँ, मैं होमवर्क कर रही थी। हम कश्तियाँ बना रहे हैं, आओ मिलकर खेलते हैं, कितना मजा आ रहा है ना दोस्तों? हाँ बिल्कुल, तुम भी आ जाओ एलिफ, हम मिलकर मजा करते हैं। दोस्तों बात सुनो, बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है ये बारिश पूरी रात नहीं रुकेगी, और इसका मतलब कल सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी होगा। जब हर तरफ इतना पानी होगा तो हम स्कूल कैसे जाएंगे? बेटा, पहले होमवर्क कर लो, फिर खेलने जाना। ये बात सुन के तो मजा ही आ गया, यानी कल स्कूल से छुट्टी, फिर तो होमवर्क करने की भी कोई जरूरत नहीं। एवनी ठीक कह रहा है, बारिश नहीं रुकेगी, यानी कल स्कूल से छुट्टी पक्की। यस। गुड नाइट जान बेटा। गुड नाइट अम्मी जान। जान बेटा, उठ जाओ, स्कूल जाना है। ये क्या, ये तो धूप निकल आई। जान बेटा, आपने अपना होमवर्क कर लिया था ना? अम्मी जान, वो चलो आप मुंह हाथ धो कर आओ, मैं देखती हूँ। जान बेटा, एवनी का फोन है। जान देखो, धूप निकल आई है, बताओ अब क्या करें, हमने तो अपना होमवर्क भी नहीं किया, अब हमारी खैर नहीं। एवनी, हमें कल ही होमवर्क कर लेना चाहिए था। मगर मेरा तो आज टेस्ट भी था, मैंने तो तैयारी भी नहीं की हुई, अब क्या करूं? उफ। टीचर से डांट खाने के लिए तैयार हो जाएं। ये तुम क्या कह रहे हो? जी बिल्कुल, उस दिन हमें ये बात समझ आई कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए। हम सब दोस्तों ने गलती की। बाद में टीचर से डांट पड़ी, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी इस बुक में बहुत से पेजेस बाकी हैं।